हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त एप के, मेरे पास एक डीटीएच आया है रिपेयर के लिए। इसमें का प्रॉब्लम है, जब पावर दे रहे हैं तो इसके डिस्प्ले में कोई लाइट शो नहीं कर रहा है, ना ही इसमें का लाइट जल रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार इसे पावर देकर देखता हूँ। देख सकते हो मैं पावर ऑन कर लिया हूँ, लेकिन इसके डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं जल रहा है, ना ही इसमें का कोई लाइट शो कर रहा है। तो इसे मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए मैं इसे आप लोगों को वोल्ट में ही चेक करके दिखाता हूं दोस्तों, इसमें कितना कितना वोल्ट आ रहा है। सप्लाई को चेक करेंगे, मल्टीमीटर को ध्यान देंगे दोस्तों। इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो 1.3 वोल्ट आ रहा है, और इसमें 22 आना चाहिए, इसमें भी कम आ रहा है, और इसमें 4 आना चाहिए, इसमें भी कम आ रहा है, और इसमें भी देख सकते हो इसमें भी कम आ रहा है, और इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो 1.5 वोल्ट बता रहा है, 4 बता रहा है, यानी कि 12 वोल्ट भी नहीं मिल रहा है। और 3.3 वोल्ट को देखेंगे, इसमें भी देख सकते हो इसमें भी कोई वोल्ट नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बजर मोड में रख के चेक करके दिखाता हूँ कहीं पर डायोड शॉर्टिंग हुआ है कि नहीं। तो मैं पावर को ऑफ कर देता हूं और मल्टीमीटर को बजर मोड में रख देंगे, और यहां पर सभी डायोड को एक एक करके चेक करेंगे। ये ठीक है, उसके बाद इस वाले डायोड को चेक करेंगे, ये भी डायोड ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद तीसरे डायोड को चेक करेंगे, ये भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस डायोड को चेक करेंगे, सुन सकते हो दोस्तों पीप का साउंड आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वाले डायोड में पीप का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ डायोड शॉर्ट हो गया है, इस कारण से पीप का साउंड आ रहा है दोनों पर पलटने पर। और ये वाला डायोड ठीक है, और इसमें 485 ठीक आ रहा है, इस पर भी वोल्ट आ रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये 60 हैं, इस डायोड को निकाल कर चेंज करके देखेंगे। चलिए मैं ये डायोड को निकाल देता हूं, क्योंकि यहां बजर का साउंड आ रहा है, ये 60 हो गया है। ख़राब डायोड को निकाल लिया हूं दोस्तों, इसका वैल्यू है 107। एक बार मैं आप लोगों को और चेक करके दिखाता हूँ, सुन सकते हो पीप का साउंड आ रहा है दोनों पार पलटने पर, यानी कि यहाँ डायोड ख़राब हो गए हैं। इसके जगह में मैं दूसरे डायोड लगा दूंगा, मैं इस दूसरे 107 नंबर के डायोड को लगा दूंगा। चलिए मैं, क्या परेशानी है, चलिए मैं सोल्डिंग कर लिया हूँ, एक बार और चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर 22 वोल्ट का डायोड लगा रहता है, ये वाले ये 60 हो गए थे दोस्तों, इसको मैं नया लगा लिया हूँ। चलिए मैं पावर ऑन करके आप लोगों को सभी वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हो मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ, इस वाले डायोड में 5 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो 5 वोल्ट आ गया। उसके बाद इसमें 16 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो दोस्तों 16 वोल्ट भी आ गया। उसके बाद इसमें 4 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो दोस्तों 4 वोल्ट आ गया है। उसके बाद इस वाले डायोड में 22 वोल्ट आना चाहिए, जो अभी लगाया हूँ, देख सकते हो 22 वोल्ट अभी आ गया। और इस वाले में 12 वोल्ट आना चाहिए, जो साउंड ऐसे के लिए लगा रहता है, देख सकते हो 12 वोल्ट आ गया। उसके बाद इस लास्ट वाले में 3.3 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो 3.3 वोल्ट आ गए, यानी कि इसमें का सभी वोल्टा ठीक है, तो हमारे डीटीएच चालू हो जाना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों डीटीएच भी चालू हो गया है, यहाँ पर नंबर भी छपाया है, और इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार आप लोग भी रिपेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।